अध्यक्ष महोदय, सुरेंद्र कुमार जिसकी मृत्यु हुई वो विद्युत करंट लगने से हुई, रोडूलाल सांप काटने से हुई, राजा राम जहरीले कीड़े से हुई, रामेश्वर कुमावत संप दर्शन से मृत्यु हुई, प्रहलाद धाकड़ ये भी संप दर्शन से मृत्यु हुई, राम विलास जो अंतक तहसील के रहने वाले थे धाकड़ खेड़ी के, वो सिंचाई रखवाली करते समय उनकी मृत्यु हुई, हीरालाल निवासी सहरावदा तहसील रामगंज मंडी सिंचाई करते हुए मृत्यु हुई, और कंवरलाल निवासी सुकेत उनकी भी खेत पर धनिया काटने के समय मृत्यु हुई। रहा सवाल इस बात का कि इनको कितना कितना पैसा दिया गया, सुरेंद्र कुमार को 2 लाख, रोडूलाल को 2 लाख, राजा राम को 2 लाख, रामेश्वर कुमावत को 2 लाख, प्रहलाद धाकड़ को 2 लाख, अब रह गए बाकी के 3 आदमी। ये 3 आदमी जो रामविलास रह गए, इन्होंने आवेदन ही नहीं किया, आवेदन कोई प्राप्त नहीं हुआ मंडी कमेटी को। इनको रामगंज मंडी के जो दूसरे हीरालाल थे, इनका भी इनके परिजनों ने न तो FIR दर्ज करवाई और न पोस्टमार्टम करवाया और न ही आवेदन प्राप्त किया, आवेदन दिया। और इसी तरीके से कंवरलाल, ये इन्होंने आवेदन तो दिया लेकिन राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना में, योजना की गाइडलाइन में कवर न होने के वजह से इनको कोई राशि नहीं मिल पाई।